बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों मैं हूं सरवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरवर फूड सीक्रेट। दोस्तों आज मैं आपके साथ अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगा। ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है। अलसी के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। तो चले शुरू करते हैं अलसी के ये लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। 1 किलो मैंने अलसी ली है। अलसी को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई में अलसी को शामिल कर देंगे। कढ़ाई में अलसी को शामिल करके मीडियम लो आंच पे 5-6 मिनट तक भून लेंगे। तो 5-6 मिनट तक मैंने अलसी को भून लिया है। अलसी हमारी भून चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और अलसी को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में शामिल कर लेंगे। तो अलसी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब अलसी को ग्राइंडर कर लेंगे। तो इसी तरह सब अलसी को हम ग्राइंडर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब अलसी को मैंने दलदला सा बना लिया है। अब चूल्हे में एक बर्तन रख देंगे, आधा कटोरी ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें 2 किलो गुड़ शामिल कर देंगे। गुड़ को 5-6 मिनट तक मीडियम लो आंच पे पका लेंगे। तो दोस्तों आपने ध्यान रखने का है कि गुड़ का चुनाव आपने अच्छी तरह करने का है, तभी आपके अलसी के लड्डू टेस्टी और मज़ेदार बन पाएंगे। तो 5-6 मिनट तक मैंने मीडियम लो आंच पे पका लिया है। गुड़ हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब गुड़ में अलसी शामिल कर देंगे, 1 प्लेट चावल का आटा, 1 कटोरी तिली, आधा कटोरी किशमिश, 1 कटोरी मूंगफली के दाने, आधा कटोरी कटी हुई गरी। गैस को बंद कर देंगे और जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपने ध्यान रखने का है कि जल्दी जल्दी मिक्स करने का है। तो दोस्तों इस वीडियो का हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, प्लीज़ कर दें। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपने करना क्या है वो लाइक का जो बटन आपको नज़र आ रहा है बस इसको आपने दबा देने का है। तो माशाल्लाह फाइनली आप देख सकते हैं हमारी ये सर्दियों की स्पेशल अलसी की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसके लड्डू बना लेंगे, हाथों को पानी लगा लेंगे। आप अपने हिसाब के कोई भी साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। यहाँ मैंने ये साइज़ का लड्डू बनाया है, इसी साइज़ के हम सब लड्डू बना लेंगे। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं सर्दियों के स्पेशल अलसी के लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप बनाएं, इंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि इस वीडियो का हमने 1000 लाइक का टारगेट रखा हुआ है, तो मेहरबानी करके आप इसे लाजमी पूरा कर दें। तो मिलते हैं एक ज़बरदस्त न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।